पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हुई है बिहार में, और शिक्षक अब स्कूलों में पढ़ाने भी जा चुके हैं। अब बात सैलरी की हो रही है कि जल्द ही उन शिक्षकों का वेतन उनके अकाउंट में जाएगा जो बीपीएससी के माध्यम से नव नियुक्त हुए हैं। लेकिन ठहरिए, जरा रुक जाइए, एक बात जान लीजिए कि ये बहाली जिस प्रकार से हुई है, जितना शोर शराबा इस बहाली में हुआ था, अब बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली प्रक्रिया हुई है उस पर तरह तरह के खुलासे भी हो रहे हैं। देखिए, कल हमने आपको एक खबर बताया था कि किस प्रकार से यूपी के कई ऐसे छात्र हैं, बिहार के कई ऐसे छात्र हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बिहार में शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। ये क्या योग्य बनाएंगे बच्चों का, जब इनके पास ही योग्यता नहीं है? फर्जी सर्टिफिकेट दे करके ये बिहार के भविष्य को बर्बाद करने आए हैं। बिहार के जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनकी मेहनत पर ये पानी फेरने आए हैं। ये उत्तर प्रदेश के वो शिक्षक हैं जो बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। फर्जी शिक्षक, फर्जी सर्टिफिकेट और फर्जी पढ़ाई करवाकर बिहार का नाम हंसवाना चाहते हैं, जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर एक तमका लगा हुआ है कि बिहार में शिक्षा कभी सुधर नहीं सकती। के पाठक ने जिम्मेदारी उठाई थी बिहार के बच्चों के भविष्य को बदलने की, लेकिन उत्तर प्रदेश के राज्यों के लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। भले ही बिहार सरकार भी इसमें कम दोषी नहीं है, भले ही वो बहाली करा दे, भले ही वो ये अपने पीठ पे मुहर मरवा दे कि हम बिहार से बाहर के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन रुक जाइए, सुन लीजिए, समझ लीजिए इस बात को कि बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ाई सुनना चाहता है। ये वो नहीं देखता कि फर्जी कौन है, ये वो नहीं देखता कि किस तरीके से बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। देखिए, इस पूरी खबर को बताने के पीछे मेरा एक बड़ा मकसद ये है कि बिहार में यूपी के शिक्षकों का इस्तीफा हो रहा है। 100 से ज़्यादा शिक्षक इस्तीफा दे चुके हैं अब तक बिहार में, और सबसे ज़्यादा संख्या समस्तीपुर की है, जहां पर एक साथ 30 शिक्षकों ने, जो उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कारण क्या बताया? कारण उन्होंने बताया कि वो केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करते हैं। कारण ये बताया कि कई प्रशासनिक जगहों पर वो काम करते हैं। तो भाई, जब वहाँ पर आप काम कर ही रहे थे तो बिहार में योग्य जो शिक्षक थे उनके जगह को खाने क्यों आप आ गए बिहार में? अगर वहाँ पर आपको ठीक नहीं लग रहा था तो यहाँ पर आप बिहार के योग्य शिक्षकों की बहाली और योग्य शिक्षकों का जो नौकरी था वो क्यों खा गए? ये सोचना शिक्षा विभाग को भी था, ये सोचना बीपीएससी को भी था, ये सोचना के पाठक को भी था, अतुल प्रसाद को भी था। लेकिन बिहार में एक तरफ रोजगार की कमी है, सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन बिहार के लड़के तो बेरोजगार ही बेरोजगार रह गए। अब बीपीएससी के माध्यम से दूसरी भर्ती प्रक्रिया हो रही है, उसमें भी बड़ा खेल हो सकता है। देखिए, समस्तीपुर में 30 शिक्षकों ने दिया है, कारण बताया कि केंद्रीय विद्यालय में उनका चयन हो चुका है। वैशाली में भी दिया गया है, बेगूसराय में 4 हैं जो बिहार के ही शिक्षक हैं और कहते हैं कि के पाठक कड़ाई कर रहे हैं जिस वजह से हम ये नौकरी छोड़ रहे हैं। चौथे नंबर पर बेगूसराय की बातचीत करें तो बेगूसराय में भी बड़ी संख्या में शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी तक डीओ ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि नियुक्ति होने के बाद ये सारा प्रक्रिया क्यों हो रहा है? क्यों नहीं पहले सारे प्रक्रिया को समाप्त कर लिया गया, अब ये क्यों प्रक्रिया हो रही है? कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके मन में क्या प्रश्न है, क्या राय है, कमेंट में जरूर रखिएगा। देखते रहिए भारत लाइव, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।